ग्राम प्रधान ने मीडिया के सामने सभी देशवासियों से मांगी माफी। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले विकास खंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत सकतपुरा में ग्राम प्रधान की आवाज पर राष्ट्रीय ध्वज उल्टा दिखाई दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। वीडियो वायरल होने के पश्चात ग्राम प्रधान दिनेश की देशवासियों ने आलोचना की। इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। जानकारी होने पर कुछ मीडिया कर्मी दिनेश सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां मौजूद दिनेश सिंह और मजदूरों ने शर्मिंदा होते हुए अनजाने में हुई अपनी इस गलती के लिए समस्त देशवासियों से माफी मांगी। मैं दिनेश प्रधान, ग्राम पंचायत सकतपुरा, और सभी देशवासियों से मैं, मेरी जो लेबर ने जो गलती करी है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कि तिरंगे ध्वज की जो आलोचना की गई है, मेरी लेबर से जो गलती हुई है, क्षमा करने योग्य नहीं है, पर मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और अभी मीडिया माध्यम द्वारा जो भी सबका नमन करता हूँ हाथ जोड़ के, और कभी ऐसी जीवन में कोई दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं इसका नागरिक हूँ, मुझे इसी तिरंगे का सम्मान करने की होती है। जो मेरी गलती जो भी हुई है, कभी जीवन में भूलवश ऐसा नहीं होगा। हालांकि एक मेरी जो लेबर से गलती हुई है, क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी मैं सभी भारतवासियों से मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस तिरंगा ध्वज के सम्मान में मेरा सर हमेशा झुका है और झुकता रहेगा। और मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, सदा देश के लिए जीता हूँ। आइंदा हमारे द्वारा कोई गलती नहीं पाएगी। मेरा सभी मीडिया कर्मियों से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसी वीडियो वायरल हुई है, इसे आगे ना बढ़ाएं और इस गलती को ही क्षमा करें। मैं सभी मीडिया कर्मियों का मान सम्मान करता हूं और सदा करता रहूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्थात। अच्छा, ये बताइए, आज ये झंडे का मामला है, वीडियो वायरल होती है सकतपुरा से, तो क्या था सर मामला? तो प्रधान जी ने झंडा फहरा दिया, वो चले गए थे बाहर, झंडा सही फहराया प्रधान जी ने। और गाँव के भी लोग बाग मौजूद थे उस समय, मौजूद आदमी भी थे। अब इन्होंने सही फहरा कर बाहर किसी काम चले गए। जाने के बाद में लेबर ने झंडा उतार दिया, उतारने के बाद में वो झंडा इनसे गलती से उल्टा लग गया। अच्छा, लेबर क्या काम कर रही थी? लेबर मकान चलाई कर रही है इनके, पिलर उलर पर झंडा था, पिलर पर काम हो रहा अरे सामने जिसको झंडा लगा हुआ तो मार के इन्होंने प्लेट बनाना शुरू कर दिया, उस पर उतार के रख दिया, दोबारा लगाया इन्होंने, तो इन्हें ज्ञान था नहीं, और ज्ञान था के कारण उन्होंने झंडा ऊँचा रखा। अच्छा, क्या लेबर जो काम कर रही है पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे नहीं है, तो अनपढ़ हैं। अभी पढ़े लिखे होते इसके बारे में ज्ञान देना भी चाहिए, जरूरी है। राष्ट्र का जो है अपमान देश हित में नहीं है ये। अच्छा, शिक्षा के, शिक्षा इनके आड़े आई है, शिक्षा का इनका ज्ञान होता तो इस तरह के जो है घटना नहीं घटती, तो क्या कहना चाहो शिक्षा के संबंध में? शिक्षा में ये है कि राष्ट्रगान का तो जो है, राजपथ का जो है, इसका तो जो है सबको ज्ञान होना चाहिए, बताना चाहिए। और ये ज़्यादातर जो है, जैसे 15 अगस्त वगैरह 26 जनवरी होती है, इनमें विद्यालयों में इन सब लोगों को बुलाया जाए, बुला करके इसके जो है झंडे के बारे में जो है ज्ञान दिया जाए तब अच्छा है। और इसी से जो है फिर आगे ये गलती नहीं करेंगे, जो गलती हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती है ये। और जो है हम अपने गांव की तरफ से सब गलती मानते हैं, और आगे ऐसा भविष्य में कहीं नहीं होगा, राष्ट्र के हित में सारे काम करते हैं।